महागणाधिपतये नमः। गणानां त्वा गणपतिकुं हवामहे, कविं कवीनां उपमश्रवस्तमम्। ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्रण्मन्नोतिभिः सीतसादनम्। ॐ महागणाधिपतये नमः। घट घट के वासी सुखकारी दुखहारी तुम पे जाऊं बलिहारी, करो भक्ति तुम्हारी निष्काम। नीलवर्ण दानोधारी प्रभु अवध बिहारी, तुमसे बड़ा है तुम्हारा नाम। श्री राम को समाए सर पर सोनेरी मुकुट और भक्तों की मंगल कामना को पूरा करने माझी ओड़क मी महाराजा सेवक इस उद्घोषों के साथ नवी मुंबई में नवसाड़ा पावड़ारा महाराजा का भव्य आगमन सोहरा गाजे बाजू ढोल लगाड़ो और जय श्री राम के उद्घोषों के साथ वाशी सेक्टर 17 में हुआ। सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल सेक्टर 17 की संस्थापक अध्यक्ष और पूर्व स्थायी समिति सभापति संपत शिवाले के नेतृत्व में आयोजित इस भव्य गणेशोत्सव में इस साल बप्पा के आगमन में एक अलग जोश का संचार होता दिखाई दिया। नवी मुंबई में न भूतो न भविष्य इस विशाल भव्य स्वरूप बप्पा का आगमन सोहरा जहां सभी के आकर्षण और कौतूहल का केंद्र बिंदु बनकर साबित हुआ, तो वहीं बप्पा की रौनक और बप्पा का तेज देखने योग्य रहा। नवसारा पावणारा महाराजा की एक झलक पाने इस भव्य आगमन सोहरा में भक्तों का अपार तांता लगा रहा। बता दें कि इस साल जय श्री राम की नगरी अयोध्या में निर्मित हो रहे राम मंदिर की प्रतिकृति में नवसाड़ा पावड़ारा महाराजा विराजमान होने वाले हैं। यही कारण था कि उनके आगमन में बजरंग बली महाराज और जय श्री राम की गूंज सुनाई दे रही थी। बेहद भक्तिमय वातावरण के बीच महाराजा के आगमन सोहरा में मोरिया ढोल ताशा पथक पारंपरिक ढोल और बैंजो ने पल को उत्साह में लबरेज कर दिया। वहीं आकर्षक लाइटिंग के बीच नाचते झूमते दर्शन लेते और बप्पा को अपने कैमरे में कैद करने के लिए आतुर भक्तों का दृश्य भी अनुपम रहा। मीडिया से बात करते हुए संपत शिवाले ने सभी भक्तों की सुख समृद्धि की महाराजा से कामना करते हुए कहा कि इस बार अयोध्या के राम मंदिर की प्रतिकृति
सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु बनकर साबित होगी। सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल 2017 नवसाला पवनारा महाराजा हा हे वर्ष 49वं वर्ष आहे सर, 39 इयर। गेले 1985 पासून आजपर्यंत कुठेही खंड न पडता त्या मंडळाने गणेश उत्सव मोठा साधा मंडळ साजरा केलेला आहे आणि नवसाला पवनारा महाराजा या इथल्या जनतेने त्याला नाव दिलेलं आहे। आपण पाहिला असाल की या गणपतीला सिल्वर आणि गोल्ड मुकुट आला आहे, हात आले, हार आलेला आहे, कर्ण आलेले आहेत, बाजूबंद आलेले आहेत, हे सगळे पावलं आलेले आहे आणि त्याच्यामुळं हा नवसाला पवनारा महाराजा गणपती म्हणून या नवमीमध्ये प्रसिद्ध झालेला आहे। आणि हे सगळं जे गोल्ड वगैरे घातलेलं आहे हे लोकांनी दान केलेलं आहे, मंडळानं दान केलेलं आहे आणि म्हणूनच आम्ही नवसाला पवनारा महाराजा सार्वजनिक गणेशोत्सव म्हणजे 2017 असं म्हटलं जातं। यावर्षी अयोध्येचं तरी राम मंदिर आम्ही या देखावा या ठिकाणी साजरा करतो आहे आणि देखावा साजरा करत असताना महाराष्ट्रातील काही मंडळी अयोध्येला जाऊ शकतात, काय जाऊ शकतात, म्हणून यावर्षी मी ठरवलं तरी या मंडळाचं जो डेकोरेशन आहे ते अयोध्येचं मंदिर उभारायचं आणि ते जवळजवळ आता एक महिन्याचं जो 50 कामगार त्या ठिकाणी करत असल्यामुळे ते मंडळ सतत अयोध्येमध्ये गेले, आता 38 वर्ष पूर्ण काम करत आहे आणि आता 41 वर्षामध्ये पदार। ब्युरो रिपोर्ट, नवी बी नेटवर्क।